नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूजिक स्कूल से। आज मैं हाई नोट में फ्लुएंसी और हाई नोट में कमांड कैसे लाएंगे, काफ़ी क्वेरीज थी लोगों की, हाई नोट नहीं आ रहे हैं हमारे, और हाई नोट का मैंने बताया तरीका करने का, पर हाई नोट कब करनी चाहिए, कब हाई नोट में जो आपका हिसिंग साउंड कम होगी, हाई नोट में फ्लुएंसी कैसे आएगी, हाई नोट के स्वर में मधुरता कैसे आएगी, कुछ कुछ इसमें फ्लूट का भी दिक्कत होता है। देखिए, हाई नोट बांसुरी में क्या होता है, अगर आपकी ये थिकनेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो लोअर नोट तो बहुत वॉल्यूम में बजेंगे, मोटा उसका बेस ज़्यादा, से हाई नोट में दिक्कत होगी थिकनेस ज़्यादा होने से, ये मैंने अज्यूम किया है, मैंने देखा है। और अगर आपके अनट्यून फ्लूट होगी, अच्छी फ्लूट नहीं होगी, हाई नोट तो आपके दिक्कत कर सकते हैं, अच्छे से नहीं आएंगे तो आपको बेसुर लगेंगे। तो सबसे पहले हाई नोट की, अगर आपका सा नहीं आ रहा है हाई सा, तो आप अपर मत बढ़ो। अगर यहाँ तक ही कहानी ख़राब है तो आगे बढ़ के मतलब नहीं, तो उनको हाई नोट तो करने नहीं चाहिए। और हाई नोट को कितना करें, रोज़ करेंगे तो होगा, ये एक दो महीने करते रहिए तब आपको लगेगा ठीक ठीक आने लगे, आपको फिर लोअर नोट नहीं आएंगे, बीच में हाई नोट ही आएंगे, वो अच्छे होने में तो बहुत समय लगता है, पर आपका कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल आने में एक दो महीने लगेगा। अच्छा, किसी का 10-15 दिन में भी आ जाता है, उनको लगता है कि अच्छा हो गया, पर फूक में ऐसा रहेगा। तो वो क्लैरिटी आने के लिए टाइम लगेगा, उसके लिए फ्लुएंसी की एक्सरसाइज होती है। कभी कभी किसी का हाई नोट बजाते बजाते बीच में लो हो जाता है, वो क्या होता है कि आपकी सांस की कमी, जब आप लंबा सांस ले रहे हैं फिर आपका डाउन गया जैसे, तो वो लो हो गया। तो कंट्रोल आने में भी टाइम लगता है। तो पहले तो ये जानें कि कब ये एक्सरसाइज करनी है। अब मैंने बता दी, इसका मतलब नहीं आप उसके लिए रेडी हो गए, हम तो एक चैप्टर बनाते रहेंगे चैप्टर, आपको कम से कम मिनिमम 7 डेज जो भी एक चैप्टर को करना है, वीडियोज़ आप देख लो आइडिया लेने के लिए, पर आपको जो एक्सरसाइज दिया गया 7 डेज करके फॉलो करेंगे। कभी कभी 7 दिन में नहीं हुआ तो 14 दिन दीजिए, कभी आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी 3 दिन कीजिए, 3 दिन ही प्रैक्टिस की हफ्ते में, तो आपको दूसरा हफ्ता भी पूरा लगाइए। तो ये तरीका है, अगर आप यूट्यूब से सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने लिए। आसान नहीं है यूट्यूब से सीखना कि हमने बता दिया और आपको आ गया, हम कोशिश तो कर रहे हैं, जनरल हम तो वीडियो बनाएंगे, है ना, हम तो वीडियो बनाने हैं, पर आप कैसे उससे सीखेंगे वो आपके ऊपर है, क्योंकि हम ये तो नहीं बताएंगे आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हैं, नहीं बता पाएंगे, है ना। कोशिश ये करेंगे कि आसान बना सकते हैं अपने लेसन, पर आपको आ जाए इसमें, कभी कभी फ्लूट का भी मैंने बताया थिकनेस का, कभी कभी अगर नहीं आ रहे तो थोड़ा सा अंदर कर सकते हैं हाई नोट में, बहुत कर देंगे तो बेसुर हो जाएगा। सा आने के बाद जब आपका सब नोट आपने लॉन्ग नोट कर लिए, तो उसमें प्रैक्टिस बता क्या कीजिए, जो हमने लोअर नोट में की थी आपको याद होगा, ये हमने लोअर में किया था, ये भी हमने लोअर में किया था, ये सब चीज़ जो हमने लोअर में की थी आप उसको मीडियम पा से हाई पा में कीजिए और स्लो कीजिए, तेज करेंगे तो नहीं होगा, वो अच्छा ही नहीं होगा, मतलब नहीं आएगा उसका। इस प्रैक्टिस को हाई नोट में फ्लुएंसी के लिए प्ले स्लो कीजिए, और तब ये प्रैक्टिस कीजिए जब सारे गामा पा एक बार में आपके बजाने में आता हो, हर कोई नोट आपके कंट्रोल में, तब ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहले एक्सरसाइज है सारे गामा पामा गारे, ये बहुत कीजिए जब आपके कंट्रोल में हो हाई नोट, फिर आप करिए पाधानी सारे गामा पा, ये कर लिया, फिर आपने किया पिरामिड एक्सरसाइज कीजिए, ये बहुत टफ होती है,
और ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो ये बहुत कान में लगेंगे। ताकत नहीं लगानी, यहाँ से जो होता है हमारे डायफ्राम उसको पतला करना है और उसको प्रिसाइज करना, दबाना है होंठ को थोड़ा, और थोड़ा अंदर कर सकते हैं फ्लूट को। पर कोशिश रहेगी कि आपका जब नोट में कमांड है जब इसमें, तभी एक्सरसाइज करनी है। अब लोगों को वीडियो देख के तुरंत सीखना है तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा, ये आपको अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीखना आसान नहीं है क्योंकि उसमें कोई स्क्रूटनी नहीं है, आप अपने मन से। और यूट्यूब में जो आदमी देखते हैं, मैंने देखा है कि अमूमन वो बहुत वीडियोज़ देखते हैं, हमारी भी देखते हैं, बहुत लोग के देखते हैं, तो आधा तो वहीं पर कन्फ्यूज जाता है क्योंकि सबका तरीका अलग होगा पढ़ाने का, मंजिल भले एक ही है, और या किसको क्या मिस्टेक हो रही है वो इंडिविजुअल की अलग अलग मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं कि हर की एक ही मिस्टेक हो रही है, हर की अलग अलग होती है। जनरल टॉपिक हम बात कर रहे हैं जनरल, इसलिए जब हम कहते हैं क्लास लीजिए कहीं भी लीजिए तो वो आपकी गलती के हिसाब से बताया जाएगा। इसलिए हमने वर्कशॉप का भी सोचा है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस को, क्योंकि तो उनके लिए कम से कम 100 रुपीज़ मंथली एक बार उनका रिव्यू हो जाएगा, है ना। और क्योंकि जब समय देंगे तो उनको कुछ फ़ायदा होगा उससे, वो सीरियस लर्नर्स के लिए है। बाकी यूट्यूब में वीडियोज़ आती रहेंगी, कमेंट डालेंगे जो लगे, कमेंट सॉल्व कर सकते हैं वो ज़रूर बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि आप वर्कशॉप करें हमसे, ऐसे कोई नहीं है। जिसको लगता है कि हाँ ये वर्कशॉप से मुझे फ़ायदा होगा वो जुड़े, 100 रुपीज़ हमने उसका चार्ज रखा है। बाकी ऐसे प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब हाई नोट नहीं आ रहे, परेशान नहीं होना, टाइम लगेगा, समय लगेगा हाई नोट में। अभी हाई पा में तो टफ लगता है, माँ और पा में टफ होता है, इसके आगे भी जाते अतितार भी जाते, उसका मतलब नहीं है। अभी पहले आप ये करें, लोग पूछते हैं अतितार होते हैं इसमें, बच जाता है पर उतना यूज़ होता है नहीं। पहले आप ये पूरा ऑक्टेव अगर अच्छे से बजा लो, वही आपकी सबसे पहली जीत है। ये अलग चैप्टर है, ये बाद में बताऊंगा। पहले आप अगर मीडियम टू हाई नोट में चाहते हैं कि फ्लुएंसी आए, तो जो भी मैंने लोअर नोट में आपको प्रैक्टिस दी थी, अगर आपको याद होगा वो सीरीज़ बनाई है, वो सब रेप्लिकेट कर लीजिए हाई, मीडियम टू हाई, मीडियम पार्ट टू हाई पार्ट में। तो वो सब अगर इसमें रेप्लिकेट करना, वही है, वही प्रैक्टिस को मीडियम पा में लेना है। पहले लोअर में करते थे, अब मीडियम पा टू हाई पा में जाइए, तो अपना आप आपकी फ्लुएंसी आएगी। पर ये प्रैक्टिस तभी करेंगे जब ये नोट अच्छे से आते हों, होल्ड में हो आपके, जब भी चाहे रे अच्छे से बजे, गा अच्छे से बजे। अब वो अच्छा क्या होता है वो तो आपको सुन के करना पड़ेगा, अगर आपको कान में बेकार लग रहे हैं। अब अच्छा ना गलत के लिए ये है, वो टीचर चाहिए होता है उसके लिए, आप पास में लगाइए या कहीं भी की, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई कोई लोग जब ऑनलाइन भी हमसे क्लास लेते हैं तो कुछ लोग लगता है सर मुझे कुछ नहीं आता, बड़ा ठीक ठाक बजाते हैं हमारी दृष्टि में। कुछ लोग कहते हैं सर बहुत अच्छा आता है ये, बढ़िया, मैं तो गाना बजाता हूँ जीरो आता है। ऐसा भी होता है ना, किसी को ये नहीं पता, अच्छा अच्छे की कोई परिभाषा नहीं है। जो आपके लिए मे भी अच्छा हो सकता है वो मेरे लिए बुरा हो सकता है, है ना। जो आपके लिए बुरा हो क्या पता मेरे लिए अच्छा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, अच्छे की कोई परिभाषा नहीं है। अच्छा तो मैं अभी अपने प्लेइंग को अच्छा नहीं मान रहा हूँ, मैं तो चाहूँगा और अच्छा हो ना, तो अच्छी कोई परिभाषा नहीं है। तो आप जो भी करें उसमें आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब से सीख रहे हैं आप, आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अगर 7 दिन में कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको 14 दिन तक करिए, ऐसा नहीं मैंने 7 दिन का तो आपको 7 ही करना है, आपको यहाँ पर यही है, उसको बताएगा कौन। इसके लिए हमने सोचा कि आप लोगों के लिए वर्कशॉप लास्ट एक मंथ में एक वर्कशॉप रख लेंगे, जो लोग यूट्यूब से ही सीखते हैं, कुछ लोग तो क्लास ज्वाइन की है, और क्लास में हम और स्ट्रिक्ट होते हैं, जितना मैं यहाँ पर अगर नहीं किया होते प्रैक्टिस तो मैं कुछ नया नहीं दे पाता हूँ, नहीं देता हूँ नया, अमूमन कुछ गाना दे देता हूँ। पर मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, एक समय तक अगर स्टूडेंट से वो नहीं मिल रहा है जो हम चाह रहे हैं तो फिर उतना मज़ा भी नहीं आता पढ़ाने में। ये तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ना, जितना आप अगर अच्छा करेंगे तो मज़ा तो हमें भी आएगा, बैठे रहेंगे बुद्ध की तरह आपको देखते रहेंगे, वो भी अच्छा नहीं है। हम चाहेंगे आप इतने अच्छे लेवल में आओगे, हम भी बजाएं आप भी बजाएं, हमारी प्रैक्टिस भी होगी। ये भाव से जब हम करेंगे तो अपना फ़ायदा भी है उसमें, पढ़ाने से कोई नुकसान नहीं होता। पर क्लास में ऐसे बैठे हैं और कुछ अगले ने किया नहीं है तो बुरा लगता है बहुत, थोड़ा ऐसे ऐसे बहुत लर्नर्स हैं जिसको पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। मैं कोई उसमें झूठ बोलने में, झूठ बोल के कोई नहीं, कुछ पढ़ के नहीं आते, फीस दे के हो जाता, अगर समय नहीं देंगे तो सभी कर लेते, फिर फीस दे देते, सभी को आ जाती फ्लूट।
ये मेहनत का है काम, तो आप थोड़ा सा इसमें करना भी आप ही को है, कोई कमर खींच के या किसी टांग खींच के तो नहीं लाता है। तो इसमें थोड़ा मैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, सच बोल देता हूँ, और कोई लोग बोल के नहीं पढ़ते, करके करते हैं, मन में नहीं पढ़ते हैं, तो वो भी बड़ी गंदी आदत है, वो बार बार टोकने से आती है, टोकना पड़ता है ना, कि मैं बड़ा अच्छा बन जाऊँ, फिर वो आए नहीं। और लोग जितना मैं यूट्यूब में लिनेडो में शायद जो पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, वो पता भी चल जाता है। जबकि हमने ये भी सुविधा रखी है व्हाट्सअप में, हमने ऑडियो भेजो, कुछ लोग भेजते भी हैं, कुछ लोग क्या करते हैं आज एक्सरसाइज दी शाम को ही दे देते हैं ऑडियो 4-5, अरे पहले 5-4 दिन उसको दो। ऐसे तो कोई भी शक्तिमान कोई नहीं कि आज उसने प्रैक्टिस दी कल परसों में ठीक हो जाएगी, 2-4 दिन लेके ऑडियो भेजो, तब तो आज भेजी आज आ गई, उनको लगता है ऐसा भी होता है, फिर कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से सीखना मुझे लगता है बहुत टफ है, जो सीखते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, मतलब मैं ये उनकी तारीफ़ करूँगा कि यार यूट्यूब से भी कुछ अचीव कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं जब पढ़ाने के बाद भी लोग नहीं कर पाते तो यूट्यूब से कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, ये बहुत एक जो कर पा रहे हैं उनमें अपने ऊपर पेशेंस रखें, उनको तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है अपने ऊपर कमांड रखने। बाकी ऐसे आपको करना है हाई नोट को अगर फ्लुएंसी लानी है तो अपने अंदर झांकना है कि मैं पहले किस लेवल में हूँ, तब आप हाई नोट में जाओ। अब आपको सब वीडियो देख के करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा, थोड़ा कड़क था मैं इस वीडियो में। बाकी आप लोग कीजिए, आप ही के लिए है, आप ही की बेहतरी के लिए है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, मन लगेगा आपका भी और हमें पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।